इसराइल एम्बेसी के पीछे एक धमाके की खबर आती है और उसके बाद से पूरी की पूरी जांच एजेंसी या पुलिस हरकत में आ जाती है कि आखिर किस तरीके का यह धमाका था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि इस तरीके का धमाका हुआ हो। आपको याद होगा 2012 में भी एक स्टिकी बॉम्ब, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। एम्बेसी का गेट दूसरी तरफ है, ये बैक साइड है और यहाँ पे सामने धमाके की कॉल हुई थी कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथों में लिया था। उसके बाद अब NIA और NSG की टीम यहाँ से आप सामने देख सकते हैं कि वो सारे साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो डिटेक्शन है जो कि अगर ज़मीन में किसी तरीके का मेटल या किसी तरीके का ऐसे पार्टिकल्स अगर आए हों तो उसको यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि मेटल वहाँ पे मेटल के टुकड़े ना हो, क्योंकि बॉम्ब की कॉल ज़रूर थी, ब्लास्ट की कॉल ज़रूर थी, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि अगर ब्लास्ट हुआ है तो कहीं उसके स्प्लिंटर्स या उसके बाकी पार्टिकल्स इधर तो नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब वो पॉलिथीन में उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है उसके आसपास, जो कि एक मैग्नेटिक एक डिवाइस है जिसके ज़रिए ये वहाँ से जो भी ज़मीन पे पड़े हुए जो ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद इसकी जांच होगी कि क्या वाकई यहाँ पे कुछ ऐसा अलग तरीके की चीज़ें है या वाकई ये एक जो है इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है। क्योंकि आप सामने देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर की जो उन्होंने जैकेट्स पहन रखी है, येलो कलर की जैकेट पहन रखी है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो NSG की इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो यहाँ से साक्ष्य जुटा रही है। साथ ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ ये अपने स्निफर डॉग्स को भी लेकर आया है, ये भी देखने के लिए कि कहीं स्निफर डॉग जो है वो इसको भी स्निफ कर सकते हैं कि किस तरीके का एक्सप्लोजिव यहाँ पे इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है कि वाकई यहाँ पे किस तरीके का ब्लास्ट जो है वो हुआ है, जो कॉल हुई है उसको लेकर जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो एक बार फिर से दिखा दें, ये जो गेट नंबर 4 आप नज़र आ रहे हैं, इसके बगल में ये एक ब्लास्ट की खबर आई थी कल शाम को 5 बजे के बाद, ये खबर आई थी। हालांकि एम्बेसी की तरफ से इस बारे में जानकारी भी दी गई है कि किसी भी तरीके कोई हताहत यहाँ पे नहीं हुआ है। ये पहली बार नहीं है, इस तरीके की 2 बार घटना हो चुकी है। 2021 में भी एक बार आपको याद होगा कि जिस दिन मीटिंग रिट्रीट थी, गणतंत्र दिवस समारोह का जो समापन समारोह था, उस वक्त सारे जो गणमान्य व्यक्ति विजय चौक पर मौजूद थे, उस वक्त भी एक धमाका हुआ था। उससे पहले 2012 में एक धमाका हुआ था जिसमें स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। स्टिकी बम पहली बार इंडिया में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें यहाँ पे एम्बेसी के जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनकी पत्नी और उस समेत 4 लोग घायल हो गए थे, जिसके बारे में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अब आप सामने एक बार सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट स्टार्ट है, एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं, ऐसे एविडेंस जो कि काफ़ी मददगार हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स है उसके ज़रिए वो सारे मेटल्स जो कि अगर ब्लास्ट के टाइम पे जो इधर उधर गिरे हों, स्प्लिंटर्स गिरे हों या छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे हों, उनको यहाँ से इकट्ठा किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो इनका जो स्निफर डॉग्स है, उस स्निफर डॉग्स उस जगह का मुआयना कर रहे हैं जहाँ पे कि ये ब्लास्ट की खबर है। आप सामने देख सकते हैं कि स्निफर डॉग्स है, ये एक्सप्लोजिव सूंघते हैं, ये एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स टीम है जो कि एक्सप्लोजिव सूंघती है। यानी कि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है तो ये डॉग्स वहाँ पे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि जब भी ये इन डॉग्स की ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये जब भी स्निफ करने जाते हैं और कहीं पे इस तरीके की चीज़ें मिलती है, कोई ऐसा एक्सप्लोजिव मिलता है, तो वो डॉग्स वहीं बैठ जाते हैं। उससे उनका जो हैंडलर होता है, जो ट्रेनर होता है, उसको इस बारे में पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं। आप सामने देख सकते हैं कि डॉग लगातार उस पूरे एरिया को जो है वो स्निफ कर रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी महक एक्सप्लोजिव की आए तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ाया जा सके। 2 डॉग्स जो हैं वो इस वक्त NSG की टीम यहाँ पे लेके आई है। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन विमल को कहूँगा कि यहाँ से दिखाएंगे कि वो सामने देख सकते हैं वहाँ पे अभी भी सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये पूरी टीम जो है वहाँ पे एक स्निफर डॉग है वो उसके साथ में जो है NSG की जो टीम है वो वहाँ से जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन इसको जो है और पुख्ता तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये मामला इसराइल एम्बेसी का है और इसराइल एम्बेसी इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी है वहाँ हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है उसके बाद इस बात का खतरा, इस बात का अंदेशा ज़रूर जताया जा रहा था। इसी वजह से बाकायदा इसराइल सरकार की तरफ से एडवाइजरी तक जारी की गई है और एडवाइजरी में यहाँ तक कहा गया है कि जो इसराइल के लोग हैं, जो भी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, वो
भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि वो किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा चीज़ जो है वो डिस्प्ले ना करें जिससे वो उनकी पहचान हो सके कि वो इजरायली है या यहूदी हैं। तो इसके बारे में भी बिल्कुल पुख्ता जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने के लिए मना किया गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो बॉम्ब की जो ब्लास्ट की खबर है, जो ब्लास्ट की जो कॉल थी उसको कनेक्ट किया जा सके कि क्या वाकई किस तरीके का ब्लास्ट था, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो है सीसीटीवी फुटेज जो बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो लिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाती है और उसी के तहत जो जानकारी मिल रही है कि एक से दो लोग संदिग्ध लोग यहाँ पे हो सकते हैं। चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, तो यह भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जारी है। लेकिन जो खबर आई थी, जो बॉम्ब की कॉल आई थी, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां बिल्कुल हरकत में है और उसका नज़ारा आप सामने देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन, ये जो एक एक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पे, फॉरेंसिक टीम यहाँ पे है और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा स्प्लिंटर, क्योंकि ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट की खबर है, तो कोई ऐसा स्प्लिंटर या कोई ऐसा मेटल उस ब्लास्ट के बाद इधर उधर आके गिरा हो तो उनको कलेक्ट किया जा सके और कनेक्ट किया जा सके कि किस तरीके का ये ब्लास्ट था या क्या लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, क्या था इसके पीछे। तो चूंकि मामला बहुत जो सेंसिटिव है, इसकी वजह से भारत सरकार की तरफ से और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है और इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द ख़त्म करके किसी निष्कर्ष पर निकलने की पूरी तैयारी यहां पे चल रही है।